इसे झेलना पड़ा हमें। और मुझे याद आ रहा है कि जिस ज़माने में ये बात निकली थी उस समय प्रतिदिन पत्रकारों में हमारे ऊपर लांछन कसे जाते थे, हमारी बदनामी होती थी, तरह तरह के लोगों की तरफ से गालियां पड़ती थीं। और एक दिन बाबूजी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है। उस दिन मुझे लगा कि यदि बाबूजी पीड़ित हो गए हैं या इन सारी बातों को मानने लग गए हैं, तब कहीं ना कहीं ये बात अब बहुत गंभीर हो गई। बोफोर्स मामले में स्वीडन के पूर्व पुलिस चीफ स्टैन लिंडस्ट्रॉम ने खुलासा किया है कि इस घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम जानबूझकर घसीटा गया था। इस खुलासे में बेदाग होकर सामने आए बिग बी से शायद कोई भी यही उम्मीद करेगा कि उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि उन्हें और उनकी फैमिली को मिले दर्द का हिसाब कोई नहीं लगा सकता। हम निर्दोषी हैं, फिर भी जब उनके सामने वो भारतीय इन्वेस्टिगेटिव टीम गई तो उन्होंने ऐसा कहा है, ये इंटरव्यू में कहा है, मुझे सच्चाई मालूम नहीं क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा जो नाम था वो प्लांट किया गया था जानबूझ करके। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। बोफोर्स रक्षा सौदे के मामले में अमिताभ बच्चन का नाम शुरू से ही उछाला गया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन की लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से करीबी दोस्ती थी और बिग बी फिल्मों में सफलता के बाद अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन बिग बी को राजनीति में असफलता के साथ साथ बोफोर्स मामले का बोझ भी मिला और आज 25 साल बाद उन्हें इस मामले में खुद को बेकसूर कहने का मौका मिल रहा है, तो ना तो बिग बी के पास शब्द है और ना ही उनके परिवार के पास। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था, मुझे राजनीति आती नहीं थी और ना आज आती, और मैंने उस जमाने में इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं ये बोफोर्स के मामले से पीड़ित हो करके मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया। बल्कि गौर करने वाली बात ये है कि जया बच्चन ने इस मामले पर खुशी जाहिर करने के साथ साथ अपना एक सवाल भी सबके सामने रखा है। इस मामले में अमिताभ का नाम घसीटने से उनके परिवार को मिली तकलीफ का हिसाब कौन देगा। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे, तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी, हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में। लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है, और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम, कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।